हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके सीबीएसई और आईसीएसई के अकॉर्डिंग कैश फ्लो अच्छे खासी वेटेज रखाता है, एग्ज़ाम्स में भी, बोर्ड्स में, और आपके जो वाइवा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बोर्ड्स में 8 मार्क्स सीबीएसई और आईसीएसई में 10 मार्क्स का कैश फ्लो आपका जो है वो आता है। तो आज हम जो इस वीडियो के अंदर जो आपको कैश फ्लो को लेकर बेसिक डाउट्स हैं आपके माइंड में, हम उसको क्लियर करेंगे। तो आप एंड तक हमारे साथ जो है वो बने रहना। सबसे पहली चीज़, बेसिक सा पॉइंट, इसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप ध्यान दें तो इस नाम के अंदर ही इसकी पूरी डिटेल छुपी हुई है, कैश फ्लो। तो हमें कैश का फ्लो चेक करना है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। स्टेटमेंट एक प्रेजेंटेशन है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका। तो उस चीज़ को कि हमारे पास कैश का कितना मूवमेंट हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैश का अगर फ्लो ही चेक करना है तो उसके लिए कैश बुक भी है, जो हमने क्लास 11th में बनाई है। लेकिन कैश बुक आपको एक तो मंथली बनती है, प्लस कैश बुक सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ शो करती है, और जबकि यहाँ कैश फ्लो के अंदर हमें पूरे ईयर की ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है कंपनी की, प्लस उसको 3 एक्टिविटीज़ में बांट कर शो करते हैं हम। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं इसको थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। लाइक आप बिजनेस रन कर रहे हो अपना, तो बिजनेस रन करने में आप जो पूरे साल में कैश की ट्रांजेक्शन्स करते हो वो 3 तरीके की होती हैं। एक जो आपके डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड है, जो आपका नॉर्मल डीलिंग हो रही है, बिजनेस कर रहे हो आप, तो वो हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक कंपनी कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, कोई भी, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो, वो आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक कंपनी के पास फाइनेंस कहाँ से आया, ठीक है ना, कौन सी सोर्सेज से कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया, तो वो हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये मेन 3 आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो कैश फ्लो के अंदर बनाई जाती हैं आपकी। बैलेंस शीट के अंदर आपको, अगर आप कैश फ्लो का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में हमें आइटम्स देख के कन्फ्यूजन होता है कौन सा आइटम कहाँ रिकॉर्ड करना है। मैं आपको बिल्कुल ईजिली इन 3 एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करता हूँ कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। अब देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ होता, नाम से पता चल रहा है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, सरप्लस, और एक कितना रिजर्व तैयार किया है आपका। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, और रिजर्व का तैयार करना वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, और एक सरप्लस जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये सारे के सारे आपके कंपनी के डे टू डे ऑपरेटिंग से ही जुड़ी हुई चीज़ है। कंपनी जो बिजनेस चला रही है उसी के लिए उसने रिजर्व बनाया है और उसी के लिए उसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो वो चीज़ आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में आती है, और रिजर्व एंड सरप्लस इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। फिर जैसे कि हमें पता है कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है। कोई भी आप कारोबार करेंगे, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें 2 तरीके का आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, और एक होता है हमारा करंट एसेट्स, जिसको हम एक तरीके से वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे, एक तो फिक्स एसेट्स के अंदर, लाइक अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप बिल्डिंग में, मशीनरी वगैरह, इनमें इन्वेस्ट करोगे। तो ये पैसा असल में हमारा एक बार लग गया तो लग गया। तो ये वाली जो पैसा होता है, जो हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, तो ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल जो है आपकी, वर्किंग कैपिटल जो कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, ये डेली वर्किंग में लगी। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है डेली से रिलेटेड आपकी, तो डेली आइटम से रिलेटेड है, इसलिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वो वर्किंग कैपिटल हुई, तो वो इसी एक्टिविटी में ऑपरेटिंग के अंदर आपकी जाएगी। अब बात आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग के अंदर आपका जो है वो जाता है जहां से कंपनी पे पैसा आ रहा है। तो कंपनी के पास 2 ही सोर्सेज हैं पैसे की, एक तो शेयर कैपिटल, कंपनी का अपना पैसा, तो ये 3री एक्टिविटी का पार्ट है, और एक नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो भी आपकी 3री एक्टिविटी का पार्ट है। नॉन करंट लायबिलिटीज होती है लंबे टाइम का उधार जो आपने ले रखा है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म वाली बोरोइंग होती है करंट लायबिलिटीज में, और लॉन्ग टर्म वाली जो मोर देन 1 ईयर है वो लॉन्ग टर्म में। तो कंपनी या तो अपने ओनर से, मतलब शेयर होल्डर से पैसा मंगाएगी, या फिर कंपनी उधार लेगी, जो कि आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया आपका। ये आ गया आपका बैलेंस शीट वाला पार्ट।
अब देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से बात समझाता हूँ। जैसे कि क्लास 11 में हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। अब हमें प्रॉफिट हुआ 10 लाख। अब 10 लाख में से आपने सैलरी पे करी, ठीक है, सैलरी पे करी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड करे, टैक्स का प्रोविजन बनाया, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर आप ध्यान दें सभी के सभी खर्चे सब एक्सपेंडिचर्स हैं। अब इन सब को, इन सारे आइटम्स को हमने लेस किया तो ये हमारा जो लास्ट में प्रॉफिट आ गया ये आया 4 लाख। 4 लाख है हमारा नेट प्रॉफिट। ध्यान से समझना, मेन कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो के अंदर जो हमें कन्फ्यूजन होती इन्हीं पॉइंट में होती। हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 4 लाख। अब हमें जो प्रॉफिट यहाँ पर चाहिए होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए, वो चाहिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे हम नेट प्रॉफिट से, गिवन होता है नेट प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट से आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए वो कैसे निकलेगा, मेन पार्ट ये है। उस चीज़ के लिए पहले मैं आपको इधर ये पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। आप ये देखिए, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सबसे बेसिक डिफरेंस ये है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम उन्हें बोलते हैं जो हमारे डेली एक्सपेंडिचर्स हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, सैलरी पेड कर रहे हो, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर हैं जो हर कारोबार में होती हैं। तो ये हो गए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग वो है जिनका कारोबार की डेली एक्टिविटीज से कोई कनेक्शन नहीं है, होंगे हैं बिजनेस के लेकिन इनका डेली एक्टिविटीज से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं आपका नॉन ऑपरेटिंग। तो दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटिंग टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी, जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है कंपनी की डेली वर्किंग से, तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ठीक है। अब आप थोड़ा इसको डिटेल में मैं लेकर जाता हूँ, आपको पॉइंट क्लियर करता हूँ। आपने टैक्स का प्रोविजन बनाया, टैक्स पे करना है आपको, टैक्स कब पे करना होता 31 मार्च, प्रॉफिट कब कैलकुलेट हुआ 31 मार्च, तो टैक्स के प्रोविजन का रोजाना के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, तो डिबेंचर को जो इंटरेस्ट देना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी में बिजनेस कम है, ज़्यादा है या लॉकडाउन लगा हुआ है, तो भाई इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है, वो तो आपका फिक्स एक्सपेंस है, आपको देना ही देना है, उसका रोजाना के काम से कोई लेना देना नहीं है। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ करी, जैसे आपने तो गुडविल रिटर्न ऑफ करी, तो गुडविल रिटर्न ऑफ सिर्फ बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू चेंज हो गई, 10 लाख की गुडविल थी फॉर एग्जांपल, अब 8 लाख रह गई, तो 2 लाख रुपीज जो गुडविल की वैल्यू कम हुई है उसे हम बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। तो अगर आप ध्यान दें बैलेंस शीट में सिर्फ गुडविल की वैल्यू डाउन हो गई लेकिन उसका रोजाना के काम से क्या लेने देना, वो गुडविल आप आज रिटर्न ऑफ कर लो या कल रिटर्न ऑफ कर लो, वो तो आपकी रोजाना के काम पे कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रही। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, कोई एसेट सोल्ड करा उसको सोल्ड करने में आपको लॉस हो रहा है। अब आप बिजनेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल ब्रास की मैन्युफैक्चरिंग, और आपने जो गुड्स वो सोल्ड करे, मान लीजिए अपनी कोई प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग जो है वो सोल्ड करी आपने, उसको बेचने पर आपको लॉस हुआ, तो उसका रोजाना के काम से क्या लेना देना आपका। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने कि जैसे आपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया और एक प्रीमियम आपने पे करा कोई भी डिबेंचर्स या शेयर्स की पेमेंट के साथ, शेयर्स और डिबेंचर्स की जब कंपनी पेमेंट कर रही है तो उसके ऊपर प्रीमियम पे कर रही है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट, तो उसका भी रोजाना के काम से क्या लेना देना, वो तो पेमेंट के साथ आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो ये वो वाला एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने सब एग्जाम्पल्स आपको इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब आप कैश फ्लो बनाएंगे यही एग्जाम्पल्स आएंगे, आप सारे क्वेश्चंस में देखना यही पॉइंट्स होंगे, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लेते हो, समझ लेते हो आप, तो आपको पूरे कैश फ्लो में सेम पॉइंट्स आने। एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहने को ऑपरेटिंग है लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस होता, नॉन कैश एक्सपेंस है। अब नॉन कैश है क्योंकि कैश कहीं गया नहीं यार, हमने एसेट की वैल्यू डाउन करी 10 लाख से 8 लाख रह गए, तो 2 लाख की एसेट की वैल्यू जो डाउन हुई तो उसके अंदर कोई ये थोड़ी ना कि हमारे पास से कोई कैश गया, ठीक है, सिर्फ एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको हम नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। इसका इफेक्ट हटाना है इसलिए ये कैश फ्लो में वापस ऐड होता है। अब वापस इधर आइए, अब देखिए यहां पर हमने एक्सपेंडिचर लेस करा, बैलेंस बचा 4 लाख। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर आप ध्यान दें 10 लाख में से अगर मैं ये 2 लाख लेस करूं, सिर्फ यही दोनों खर्चे ऐसे हैं जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो 10 माइनस 2
आ गया 8 लाख रुपीज। लेकिन वही बात अभी मैंने आपको बताया, ग्रॉस प्रॉफिट होता ही नहीं है हमारे पास, तो नेट प्रॉफिट होता है। अब नेट प्रॉफिट से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना, तो हम क्या करेंगे उसमें वापस ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम और ये आइटम, ये वापस ऐड बैक करेंगे। तो 4 लाख में ये 4 लाख ऐड करा आपने, कितना हो जाएगा आपका टोटल 8 लाख। ये है रीज़न। देखिए आप चेक भी कर लो क्रॉस चेक, ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी ये वाली बात, मैं आपको क्रॉस चेक करा रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें हम, तो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा, लेकिन क्योंकि ये गिवन ही नहीं होता तो हमें इनडायरेक्ट तरीका अपनाना पड़ता है। जो हम कैश फ्लो बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो आता है इनडायरेक्ट तरीका, वो यही है कि आप नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे और नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करने में उल्टी जो है ये इस सारे के सारे आइटम्स आप प्लस करोगे, तो प्लस करोगे तो ये आपका जाकर जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करना है। ये पॉइंट्स आप इसको ध्यान रखना कैश फ्लो में कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस प्लस होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपकी जो है वो लेस होंगी, उसको लेस करेंगे क्योंकि उनका इफेक्ट हटाना है, और किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हटाना हो तो उसको रिवर्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं आपकी। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स उन्हें बोलते हैं जो हमारी डेली से रिलेटेड इनकम नहीं है। डेली से रिलेटेड इनकम कौन सी होती, इकलौती एक इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स। आप कोई बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ ये ब्रास का बिजनेस होता है, तो आप जो अपना प्रोडक्ट बना के सोल्ड कर रहे हो सिर्फ वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। बाकी इसके अलावा आपको कमीशन रिसीव्ड हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, और कोई एसेट बेचा उसे बेचने में प्रॉफिट हो रहा, तो सारी की सारी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्योंकि हमारा मेन मकसद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करेंगे। हाँ, नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कैश फ्लो करते टाइम खास करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये बात याद रखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक करंट इन्वेस्टमेंट, इन आइटम्स को ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे करंट एसेट्स में लिखे हुए। ये आइटम्स आपके ये करंट एसेट्स हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट आपका ये होगा कि ये दोनों के दोनों आइटम्स जो हैं आप इसको किसी भी एक्टिविटी में नहीं लिखोगे। भाई हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो जो कैश के इक्विवेलेंट चीज़ें वो तो ऑलरेडी कैश हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट कैश का इक्विवेलेंट है। भाई 3 महीने के अंदर अंदर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक बैलेंस आया तो वो भी कैश का इक्विवेलेंट है। तो इसलिए इनको आपने किसी भी एक्टिविटी में नहीं लेना है। तो अब इसका यूज़ क्या होगा, तो जब आप तीनों एक्टिविटीज़ बना लेंगे तो बनाने के बाद में उन तीनों एक्टिविटीज़ के टोटल में इनका ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस प्लस करेंगे तो खुद ब खुद आपका आंसर जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, तीनों एक्टिविटीज़ का आपने टोटल किया, फॉर एग्जांपल तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल आपका 2 लाख आया, उसमें आप ओपनिंग बैलेंस इसका ऐड करेंगे, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस। मान लीजिए प्रीवियस ईयर का बैलेंस 1 लाख है आपका, तो जब आप 2 लाख में 1 लाख रुपीज़ प्लस करेंगे तो वो हो गया 3 लाख। तो अगर आप चेक करेंगे बुक के अंदर तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख गिवन होगा। तो अगर आपका बैलेंस वहाँ टैली हो जाता है तो वो आपकी कैलकुलेशन चेक करा देगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दे रखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कोई भी आइटम हो लाइक कैश क्रेडिट के नाम से दे रखा है या बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कहने को ये करंट लाइबिलिटी है लेकिन ये आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये पॉइंट्स कैश फ्लो के अंदर आपको ध्यान रखने, ये वाले पॉइंट्स के अंदर, तो ये फाइनेंसिंग में आएगी। अब मेन बात आती है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का तो भाई साहब बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट है कैश फ्लो में। कैश फ्लो के अंदर आप प्रोविजन फॉर टैक्स का एकदम VIP ट्रीटमेंट है। कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, करंट लाइबिलिटी में। लेकिन इसको जो आप ट्रीट करोगे तो प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहाँ ख़त्म होगी तो उस एंड में प्रीवियस ईयर वाले को लेस करोगे आप, ये लेस हो जाएगा। और जो करंट ईयर वाला बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो अभी बताता हूँ मैं आपको। तो उस वर्किंग नोट के अंदर हम इसको ऐड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इसको ऐड किया जाएगा करंट ईयर वाले को, और प्रीवियस ईयर वाले को लेस किया जाएगा। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट। अब इसमें एक पॉइंट
अगर बाई चांस इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी दे रखी है, एनी एडजस्टमेंट टैक्स की दे रखी है, तो हम उस केस में इसका अकाउंट बनाते हैं। ये मेन बात याद रखनी है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, आप ध्यान से समझिए, अब समझ में आएगी बात। तो जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर आपको एक बात याद रखना है, ब्रॉट डाउन बैलेंस यहाँ लिखते हैं प्रीवियस ईयर, कैरिड डाउन यहाँ आता है करंट ईयर। अब टैक्स से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो बस दो ही होंगी आपके पास, एक मेड और एक पेड, याद रख लेना इसे, कोई तीसरी एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। तो अगर प्रोविजन मेड दे रखा है तो वो क्रेडिट में लिख दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर पेड आ जाएगा, और अगर पेड दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर मेड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका बैलेंस दे रखा था मान लीजिए 1 लाख और ये दे रखा है 2 लाख। अब उन्होंने क्वेश्चन ने आपको ये बता दिया कि टैक्स पेड है 50,000, तो आपने यहाँ 50,000 लिखा, तो आप देखिए बैलेंस करिए आप 2,50,000, और 2,50,000 में से जब आप 1 लाख लेस करेंगे तो ये कितना आ गया 1,50,000 आपका, ठीक है। तो इसका मतलब पेड है 50 और मेड है 1,50,000 आपका, ठीक है। एक पॉइंट और है, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड आपको ये हमेशा जो मिलेगा आपका वो एडजस्टमेंट में मिलेगा, इन एडजस्टमेंट्स, आपको बैलेंस शीट में नहीं गिवन होगा, ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में होगा। अगर कोई पुरानी बुक से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ही पुरानी, तो उसमें तो ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अब ये एडजस्टमेंट में होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अब जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पहले शेयर होल्डर से अप्रूव्ड होता है, डायरेक्टर से अप्रूव्ड होता है, तब जाकर कंपनी उसको पे करती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा इस टॉपिक में, आप बस एक बात याद रखिए, प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होता है जो कंपनी साल के आखिर में बांट रही है। अब इसमें आपको अगर 2 साल की फिगर दे रखी है, करंट ईयर का 2 लाख है मान लीजिए और प्रीवियस ईयर का 1,50,000, तो आपको करंट ईयर का डिविडेंड बिल्कुल इग्नोर करना है, आने का ही नहीं है ये कैश फ्लो में, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर का होगा आपका, तो प्रीवियस ईयर वाले की आप डबल एंट्री करेंगे, एक तो ये ऐड होगा इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके अंदर ऐड होगा, और दूसरा ये लेस होगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये लेस होगा। करंट ईयर को इग्नोर करना है और प्रीवियस ईयर के ये दो आइटम्स हैं आपके, एक तो ऐड होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और एक लेस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखिए जो भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं स्टार्टिंग से एंड तक, आप वीडियो पॉज करके या आप जो है वो इसको नोट कर लीजिए, और प्लस एक एक बार दोबारा इसको जो है वो आप समझ लीजिए। आपके यही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कैश फ्लो को कन्फ्यूज़ करते हैं, वरना सारे आइटम्स का बेसिकली एक जैसा ही ट्रीटमेंट है। अब ये जो नाम यूज़ हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका हम एक नोट बनाते हैं, वो नोट कैसे बनेगा, वो नोट बनता है आपका वर्किंग नोट, उसमें 4 आइटम्स आते हैं। एक तो सबसे पहली बात प्रॉफिट, जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, याद रखना अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो उसमें ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से होगा, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में, तो ये प्रॉफिट हो गया, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स जो अभी मैंने आपको बताया था करंट ईयर वाला, और या फिर अगर आपने अकाउंट बनाया तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर तीसरा आइटम प्रपोज डिविडेंट हो या प्रेफरेंस डिविडेंट हो या इंटरिम डिविडेंट हो, ये तीनों के तीनों यहाँ पर ऐड होते हैं, ये ऐड होंगे। और एक ट्रांसफर टू रिजर्व, चाहे आपने जनरल रिजर्व बनाया है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया, तो सारे रिजर्व्स ही आएंगे एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि प्रॉफिट से तैयार नहीं होता है रिजर्व, वो तो जब आप शेयर या डिबेंचर इशू करते हो तब मिलता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब के सब यहाँ आएंगे, जितना भी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है आपका। तो 4 आइटम्स, प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर वाला मतलब जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, एक प्रपोज डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, और एक ट्रांसफर टू रिजर्व एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब ऐड होंगे। इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम बनाएंगे तो सबसे ऊपर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो यही वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इस प्रॉफिट के अंदर हम एडजस्टमेंट्स यहाँ करेंगे, और एडजस्टमेंट्स कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम लेस करेंगे। फिर यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आता है इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारा मेन टारगेट ही इसे निकालना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था हमारा मेन टारगेट, इसी के लिए हमने उल्टा किया है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस किया, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक और बात मैं आपको बता दूं,
शायद किसी वीडियो में आपने नहीं देखी होगी है और ना आपको स्कूल में बताई होगी, कैश फ्लो कैश का फ्लो चेक कराता है कि हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं उसका मेन मोटिव यह है कैश का फ्लो चेक करना, कितना कैश आया कितना गया। लेकिन इतना पार्ट कैश का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये नॉन कैश पार्ट है। कैश फ्लो का इतने पार्ट को हम नॉन कैश पार्ट बोलते हैं कि यहाँ तक आपको कैश दिख ही नहीं रहा, कहाँ कैश आ रहा कहाँ जा रहा। यहाँ आपकी जो थिंकिंग है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाने की है और नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आप उल्टा करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस, ताकि इनका इफेक्ट खत्म होके हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। तो यहाँ तक का पार्ट नॉन कैश है, इसके आगे ये वाली एक्टिविटी भी और बाकी दूसरी दोनों एक्टिविटीज भी, सब में सीधे सीधे देखना है कैश आया प्लस और कैश गया माइनस। अब जैसे कि मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए ध्यान से समझना बात, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होंगे, ये आइटम्स आपके ऐड हैं ये देख लीजिए आप, और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस होंगे आपके। इस आइटम को आप ऐड करोगे इसको लेस करोगे तो यहाँ जो फाइनल आंसर आता है इसे कैश जनरेटेड कहते हैं। इसमें से लेस टैक्स पेड, वो जो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स में बताया था आपको कि टैक्स पेड यहाँ से माइनस होता तो ये फाइनल आंसर आता। अब मैंने आपको बताया नॉन कैश पार्ट के बाद आगे का पार्ट कैश पार्ट है, तो ये जो पार्ट है आपका ये कैश की मूवमेंट दिखाएगा। कैसे, ध्यान से समझना आप इस बात को, कैश की मूवमेंट के लिए देखें करंट एसेट डिक्रीज हो रहा, जैसे कि स्टॉक है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है आप लोगों को पता है। अब इन्वेंट्री 10 लाख से 9 लाख हो रही है वैल्यू डाउन हो रही है आपकी, तो 1 लाख रुपये की इन्वेंट्री जो आपकी कम हुई कहाँ गई, आपने उसको प्रोड्यूस करके सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया कैश आया इसलिए ये प्लस है। ऐसे ही मान लीजिए इन्वेंट्री 10 लाख से 13 लाख हो गई, 3 लाख से इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ी इसका मतलब आपने इन्वेंट्री परचेज करी है तो कैश गया तो माइनस है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल करंट लाइबिलिटी का, अब करंट लाइबिलिटी जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स 10 लाख से 9 लाख रह गए, कम हो गए आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, इसका मतलब आपने उनको पेमेंट कर दी कैश चला गया, तो देखो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस है, ठीक है। और यही आपके फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स बढ़ गए 10 लाख से 12 लाख हो गए आपके, तो इसका मतलब उनसे 2 लाख के गुड्स आ गए होंगे जो आपने प्रोड्यूस करके सोल्ड कर दिए होंगे, ठीक है ना, तो वो कैश आ गया तो वो आपका प्लस, ठीक है। और अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा और ईजी इलेबोरेट करूँ तो आप एक बात याद रखिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इसे बोलते हैं। तो अगर आपका करंट एसेट बढ़ेगा आपका, तो जाहिर सी बात है कैश जाएगा आपके पास से, क्योंकि आप एसेट परचेज कर रहे हो, तो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस है और डिक्रीज इन करंट एसेट इसलिए प्लस है। और क्योंकि करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल निकालने में माइनस हो रही है, तो अकाउंट्स में अगर कोई भी आइटम माइनस हो तो उसके इफेक्ट को उल्टा रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो करंट एसेट का इंक्रीज प्लस है तो करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज माइनस है, ये इसका रीजन है आपका, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट समझ में आया होगा जो मैंने आपको क्लियर करा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हो तो उन डाउट्स के लिए आप मुझे जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मेरी जो इंस्टाग्राम पे आईडी है वो है सर खतीब के नाम से, ठीक है ना, मैं उसका लिंक आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। आप कोई भी आपके डाउट्स हो, आपको नोट्स चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट वो उस पर मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब अगली वीडियो के लिए आप जो है वो ट्यून इन करना। अल्लाह हाफिज़।